हे गाइस, आप सबको तो फिलहाल पता ही है कि मेरा हाथ फिलहाल अभी फ्रैक्चर हो रहा है और मैंने एक हाथ से ही अच्छे से खाना वाना कई रेसिपियां शेयर की है। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताया कि आप एक हाथ से कैसे बना लेते हो और सब्जी तो फिर भी बना लेते हो, लेकिन रोटी कैसे बनाते हो। तो फ्रेंड्स, उनको मैं बताऊं क्या, मैंने वीडियो शेयर कर दिया कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक हाथ से कैसे खाना बनाया है। और फ्रेंड्स, मैंने तो 1.5 महीने ही बनाया है एक हाथ से खाना, लेकिन जिन लोगों के एक ही हाथ होता है और आर्थिक स्थिति उनके बहुत ज्यादा खराब होती है तो वो मेट वगैरह भी नहीं लगा सकते, तो वो कैसे बनाते हैं और बिल्कुल भी शिकायत तक नहीं करते, इतनी खुशी खुशी से खाना बनाते हैं। तो वो चीज मैंने यहाँ पर आपसे शेयर की है। और फ्रेंड्स, सबसे मेन चीज क्या है कि कुछ भी हो, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मेरा तो मानना यही है। और फ्रेंड्स, परेशानी तो लाइफ भी की एक हिस्सा होता है, वो तो आती ही रहती है। मेरी भी लाइफ में कई परेशानियां आई भी है और आती भी है, बट मैं कभी हार नहीं मानती हूँ और माननी भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिलहाल कई लोगों तो मेरी मतलब इस वीडियो की बहुत ज्यादा तारीफ करेंगे, पर कई लेडीज तो मुझे बहुत ज्यादा गालियां देगी कि कई लोग तो मतलब मेरे जैसी होगी, वो तो यही सोचेगी ना, हाँ इस तरीके से अपन खाना बना सकते हैं। लेकिन कई आलसी होगी ना, वो तो यही सोचेगी यार हस्बैंड को अपन ये बोल देते हैं कि मैं एक हाथ से कैसा खाना बनाऊँ, एक हाथ से मैं ये काम नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ये सब बहाने होते हैं यार, मैं तो यही मानती हूँ। और आप एक हाथ से भी बहुत कुछ कर सकते हो, मैंने बहुत कुछ काम किया है, एक हाथ से खाना भी बनाया, झाड़ू भी लगाई, नहाई भी हूँ, कपड़े भी, सब कुछ किया है, बट बस एक बर्तन साफ नहीं हुए हैं। और फ्रेंड्स, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि मैं कितना अच्छा खाना बनाया है मैंने, आप तारीफ तो